कैमरे को देखते ही जो लिपस्टिक लगा के इसने अपना फोन नीचे रखा है। हे गाइज, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और हम आ चुके हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तो मैं अभी जा रहा हूँ एक और मैच खेलने के लिए। तो ये वाली जो टीम है, तो ये मैच मेरा दिल्ली में है, तो ये जो टीम है मैं इनके साथ काफ़ी लंबे टाइम के बाद खेलूँगा, क्योंकि मेरा दिल्ली में मैचेस होते हैं, बट क्या होता है ना कि मेरे लिए आना जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं बहुत कम मैचेस खेलता हूँ यहाँ पे। तो एक दीपक भैया है, उन्हीं के साथ में मैं ये मैच खेलने जा रहा हूँ। तो उनकी टीम है स्टार रेनेगेड्स, तो ये कश्मीरी गेट के पास ही ग्राउंड है सेंट स्टीफन करके, तो वहीं पे मेरा मैच है। तो चलो अब ग्राउंड पहुँचते हैं, क्योंकि 7 बजे पहुँचना था और ऑलरेडी 6:55 हो गए हैं। मुझे यहाँ पे हार्डली 6 से 7 मिनट और लगेंगे पहुँचने में। चलो तो फिर ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है सेंट स्टीफन वाला, आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर ये यहाँ पे डग आउट बना रखे हैं। कैच छोड़ दिए इन्होंने, कैच संतोषी भाई ने। गाइज, मैं आ चुका हूँ अभी बाहर, क्योंकि मैंने अभी जस्ट अभी एक कैच पकड़ा और मेरे कल हाथ में लग गई थी, तो उसी के इम्पैक्ट में मेरे जो हाथ में है ये आप देख सकते हो, ये पूरा स्वेलिंग हो गया पूरा का पूरा। और एक और विकेट गिर गया इसी बीच। बढ़िया चल रहा सब, तो स्कोर कुछ खास नहीं है अभी। स्कोर अभी 14 ओवर चल रहा है और इसमें 110 रन के आसपास है। तो अगर हम इसको इनको 150 या 140 के अंदर रोक देंगे तो ईजी चेजेबल होगा, क्योंकि पिच एकदम फ्लैट हो चुकी है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और पहले काफ़ी फील्डिंग ख़राब हो रही थी और फिर बॉलिंग भी फील्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, काफ़ी ख़राब चल रहा, लेकिन आफ्टर 10 ओवर थोड़ा संभाल लिया टीम ने। तो देखते हैं, बैक टू बैक 2 विकेट भी गिर गई हैं अभी, क्या होता है। और यहाँ पे बैक टू बैक 4 विकेट गिर गई इनकी अभी की अभी। एक रन आउट हो गया, 3 बोल्ड हो गए, तो कम बैक कर लिया हमारी टीम ने बहुत अच्छा। यार जैसे मैं बाहर आया सारी विकेटें गिरने लगे, क्या करूँ, भारी बैटर होंगे थोड़ी देर के लिए। कहूँ घर पर और मैच अभी चल रहा है, तो मैं आउट हो गया था। बहुत अच्छा खेला मैंने आज, तो मैंने आज जो खेला है 9 बॉल में मैंने 8 रन मारे हैं। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। मतलब ये मेरा 6ठा या 7वां मैच होगा जिसमें मैं बस यही 1, 2, 10, 15, 8, 9, तो 6 से 7 मैच हो गए हैं, रेगुलर यही चल रहा है। फॉर्म बरकरार है, बहुत बेहतरीन फॉर्म है, इसी टाइप का मैं खेलता हूँ। तो कुछ खास करा नहीं, तो घर आ गए, चुपचाप नाश्ता करते हैं और जाना है अभी मुझे। तो आज ऑल स्टार का शोकेस है, तो सीधा उसके लिए निकलूँगा। तो अभी नाश्ता करते हैं और सोते हैं पहले। तो बस तो मैं पहुँच चुका मेट्रो स्टेशन, तो मेरे को अभी कश्मीरी गेट में दिखने का मिशन मिला है, तो चलते हैं घूम बैठते हैं। तो हम लोगों के साथ में देखिए कौन है, दीपिका मैम, और खुशी आ चुकी है। क्या करें, करना पड़ता है, YouTube के लिए करना पड़ता है। और वो अक्षिता को पता नहीं है कि ये दोनों भी आ रहे हैं। मैंने उसको देखी परफॉर्मेंस, देखी भाई कर रही हो, परफॉर्म कर रहे हैं गाइस। आप अक्षिता की परफॉर्मेंस देखने, बट हम म्यूजिक भी डालेंगे, हमको पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, पैसा पैसा नहीं। मेरे को कैमरे को देखते ही जो लिपस्टिक लगा के इसने अपना फोन नीचे रखा है इस लड़की ने। गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं साकेत, और इतने महान लोग हैं हम, गलत गेट से उतर गए हम लोग और अब जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। यार मैं इसको कह रहा हूँ कॉफी पी लेते हैं, ये लड़की कॉफी के लिए नहीं मान रही यार मेरा। गलत बात तो वहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा ना भैया, ठंडा रुकिए मान लिया। और हमारे शुभ सर डॉनी सर के पद्दी में चढ़ते हुए आइसु गाय। ये हमारे दोस्त रेडी हो रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, सोलो परफॉर्म करेंगे, आप देख सकते हैं इसे। ये शुभ की हंसी मैं आपको दिखाऊंगा, शुभ रात को मिलेगा ना, लेकिन खेलेगा।
गाइस आप देख सकते हैं हमारे राकेश सर को कजरारे गाने पे कर रहे हैं। ये तुम पहली बार स्टेज में परफॉर्म कर रही हो, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं अभी करोगी ना, कैसा लग रहा है, दिल में कैसा हो रहा है तुमको? अभी गाइस अक्षिता की परफॉर्मेंस है, हम आपको दिखाएंगे अक्षिता की परफॉर्मेंस, चलो देखते हैं कैसा करती है ये लड़की हमारी। परफॉर्मेंस हो चुकी है, अक्षिता बताइए कैसा लगा अक्षिता को, बताओ अक्षिता। बहुत सही, और पता है जब यूजुअली ऐसा होता था मेरे साथ रिहर्सल्स में कि जो लास्ट सॉन्ग तक पहुंचते पहुंचते ना हालत खराब हो जाती थी, अच्छी नाच चुकी। हाँ और ऐसे एनर्जी के साथ नाचती थी ना, मैंने कहा क्या हो गया मेरे को, वाइब है, वाइब क्या है। गाइस आपने इन्हें देखा था जब ये ऐसे कैसे ऐसे हाथ क्लीन थे इनके, क्योंकि क्योंकि जब जब रिहर्सल हो रही थी इनकी ऐसी मारी गई थी, मतलब इनको इतनी रिहर्सल की गई थी, इतनी की गई थी कि अब जाके वो बोलते कि और नचाओ और नचाओ। यार we'll be right back.